भी खेलना चाहते हैं फ्री फायर को अपने लो एंड पीसी या लैपटॉप पे, या आप फ्री फायर काफी लैग करता है, आप खेल नहीं पाते, आपने हर एक इम्यूलेटर ट्राई कर लिया फिर भी जो कि आपका है फ्री फायर चल नहीं पा रहा है, तो भैया तुम एकदम सही वीडियो पे आओ, क्योंकि इस वीडियो पे मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ब्रांड न्यू इम्यूलेटर लेके आऊं जो कि फ्री फायर के लिए बना हुआ है एंड फ्री फायर के लिए हाईली ऑप्टिमाइज इम्यूलेटर है। और इस इम्यूलेटर की सबसे अच्छी बात यह है भैया, ये इम्यूलेटर में आपको गेम डाउनलोड करने का कोई जरूरत नहीं है, इम्यूलेटर इंस्टॉल करो, गेम प्ले करो और मत जाने लाइफ। तो भाई उससे पहले आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, ये इम्यूलेटर आपको पसंद आता है तो नीचे लिंक है, आराम से जाकर डाउनलोड करो, बट उससे पहले वीडियो को देख लो। और अगर आपके प्यारे रसगुल्ले दोस्तों ने अगर इस वीडियो को शेयर किया है तो भैया एक लाइक एक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना, सब्सक्राइब करोगे तो भैया बगल में जो घंटा है उसको ऑल में करके जोर से दबा देना, क्योंकि मैं जैसी कोई भी इस तरह का न्यू इम्यूलेटर का वीडियो अपलोड करूं तो आपको एकदम एरोप्लेन की स्पीड से मिले। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वेल गाइस, यहां पर आपको सबसे पहले इम्यूलेटर को डाउनलोड कर लेना है, यहां पर आपको गेम डाउनलोड करने का कोई भी जरूरत नहीं है, इस इम्यूलेटर में आपको प्री इंस्टॉल गेम मिलता है। और खास बात यह है कि भैया ये सिर्फ फ्री फायर के लिए ही इम्यूलेटर बना है। एक अच्छी बात ये लो एंड पीसी में काफी मक्खन जैसा चलता है, अगर आप पे फ्री फायर लैग करते हैं अटक अटक के चलता है तो भैया मैं आपको यहां पर 100% गारंटी देता हूं कि इस इम्यूलेटर से अगर आप खेलोगे तो भैया वो आपको लैगनेस फेस नहीं होगा। तो यहां पर मैं आपको डायरेक्ट लिंक भी दे दूंगा, इम्यूलेटर का साइज अप्रॉक्स 2GB का है, तो यहां पर मैं 500MB के पार्ट में प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आप सिंगल पार्ट डाउनलोड कर सकते तो वेबसाइट पर वो आपको मिल जाएगा, यहां पर आपको 500MB के 3 पार्ट डाउनलोड करने, लास्ट का पार्ट है वो 200MB का है दोस्तों। सिंपली आपको सेलेक्ट ऑल करना है एंड यहां पर आप किसी से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो 7zip या VNR से, तो इसे मैं VNR से एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं। पासवर्ड ध्यान से देख लेना, पासवर्ड है BYTP, सभी कैपिटल लेटर में आपको यहां पर BYTP है और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको पासवर्ड दे दूंगा। सिंपली आपको यहां पर ओके पे क्लिक करना है एंड वेल गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सट्रैक्ट होना चालू हो चुका है दोस्तों। इसे एक्सट्रैक्ट होने में भी आपका 5 से 10 मिनट ले सकता है, तो चलिए इसे एक्सट्रैक्टिंग होने देते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर जो हमारा एक्सट्रैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है एंड सिंपली आपको एक फोल्डर में जाकर PT करके सिंपली आपको इसे ओपन करना है। जैसे यहां ओपन करोगे तो भैया यहां पर आपको इंजन करके दिखेगा, और अगर आप इस इम्यूलेटर को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो सिंपली आप अनइंस्टॉल पर डबल टिक करना, ये इम्यूलेटर आपके PC से सक्सेसफुली अनइंस्टॉल हो जाएगा। सबसे पहले आपको इंजन में चले जाना है, यहां पर आपको लॉन्चर दिखेगा दोस्तों, ये रहा लॉन्चर, में आपको इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। जो हमारा इम्यूलेटर है वो सक्सेसफुली यहां पर ओपन हो चुका है एंड बेसिकली देख सकते हैं यहां पर आपको फ्री फायर का लोगो मिल जाता है एंड बेसिकली ये सिर्फ फ्री फायर के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है, आप आराम से खेल सकते हो, कोई भी इशू आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले यहां पर आपको सेटिंग्स पे आ जाना है, ठीक है, यहां पर कुछ और लैंग्वेज लिखा रहेगा तो मैं आपको जो बता रहा हूं वही करना है, एज यूजुअली जैसा यहां पर आपको सेव है वही आपको करना है। सिंपली आपको इस पर चले जाना है, ये आपका एडवांस सिस्टम सेटिंग है। तो दोस्तों अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड है तो 2GB का ग्राफिक कार्ड है, मतलब 1GB से ऊपर ग्राफिक कार्ड है तो सिंपली भी से आप डायरेक्ट एक्सपे करना, और ग्राफिक कार्ड नहीं है 512MB है इंटेल SD ग्राफिक कार्ड है तो भैया इसे ओपन GL करके यहां से आपको सिंपली इसे सेव पे क्लिक कर लेना, ठीक है। यहां पर रीस्टार्ट करने बोलेगा, सिंपली आप यहां से रीस्टार्ट कर लेना, सिंपली हम चलिए इसे रीस्टार्ट कर लेते हैं। सकते यहां हमारा इम्यूलेटर सक्सेसफुली ओपन हो चुका है, सिंपली हम चलते हैं इम्यूलेटर के अंदर और यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर हमारा गेम प्री इंस्टॉल अपने को देखने को मिल जाता है। सिंपली हम गेम में यहां पर क्लिक करते हैं, लॉगिन इंटरफेस से आ चुका है दोस्तों। यहां पर आप क्लिक करोगे तो यहां पर आप गूगल से लॉगिन कर सकते हो, अपने ट्विटर से लॉगिन कर सकते हो, और यहां आपको फेसबुक का मिल जाएगा तो ये कुछ अदर लैंग्वेज पे, तो इसलिए मैं आपको यहां पर पहले ही बता दे रहा हूं। अगर आप एज अ गेस्ट खेलना चाहते हैं तो ये देख रहे हो यहां पर आप ह्यूमन का आइकन देख सकते हो, सिंपली आपको इस पर टैप करना है, एक बार एरर दिखाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर से अपन यहां टैप करते हैं एंड जो आपका गेस्ट आईडी है वो सक्सेसफुली यहां पर क्रिएट हो जाएगा। सिंपली हम टैप टू कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, हमारा जो गेम है वो चालू हो चुका है एंड यहाँ पर अपने कोई भी लैंग्वेज देखने को नहीं मिल रहा है, बट अभी हमें लैंग्वेज का जो प्रॉब्लम है उसे फिक्स करना है तो सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ से हम लॉबी में चले जाते हैं, जो ये हमारा अदर लैंग्वेज आ रहा है सिंपली हम इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। सिंपली आपको यहाँ ऊपर सेटिंग्स पर चले जाना है, ओके,
और यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं ये लैंग्वेज का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको इंग्लिश सेलेक्ट करके इसे ओके कर लेना है, कन्फर्म में क्लिक करना है। अब क्या करना है, अब आपके अपने गेम को यहाँ से रीस्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ से मैं इसे कट करता हूँ एंड फिर से यहाँ से आपको गेम को अपना स्टार्ट करना है। तो अब जो आपका गेम का लैंग्वेज रहेगा वो टोटली इंग्लिश में कन्वर्ट हो चुका है। सेटिंग्स पे आ जाना है, यहाँ पर आप जैसे ही देख सकते हैं अपना ऑटोमेटिक जो लैंग्वेज है इंग्लिश सेलेक्ट इंग्लिश से मतलब कन्वर्ट हो गया है। एंड यहाँ से आप अपने अकाउंट को लिंक कर सकते हो, अगर आपके पास अदर अकाउंट है तो यहाँ से आप लिंक कर सकते हो फेसबुक गूगल, यहाँ भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर आपको डिस्प्ले में आ जाना है एंड ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा दोस्तों आपके ग्राफिक्स के हिसाब से। तो यहाँ पर स्मूथ एंड मेरा नॉर्मल डिटेक्ट किया है। एंड प्लीज़ हाई में मत जाना, हाई में या अल्ट्रा में सेलेक्ट करते हो तो भैया आपका बहुत ही बिजोड़ लैग करेगा, आप गेम खेल नहीं पाओगे, ठीक है। सिंपली हम यहाँ से कट करते हैं एंड यहाँ पर अपने को अब की मैपिंग करना है। तो फटाफट से हम जल्दी से एक सो गेम लगा लेते हैं। की मैपिंग में बस आपको थोड़ा सा करना है, उतना कोई झोल झाल नहीं है। सकते हैं यहां पर आपको पहले से ही की मैपिंग देखने को मिल जाता है, माउस सेंसिटिविटी में आपको कोई भी इश्यू देखने को नहीं मिलेगा। सिंपली आपको एक कीबोर्ड वाले आइकन पे आ जाना है एंड ऑलमोस्ट यहां पर अब जो आपका की मैपिंग है वो पहले से डन रहेगा। बट आपको एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपका ये जो एम इधर है तो सिंपली आप अपने हिसाब से यहां पर आप प्री सेट कर ले। ऐसे तो यहां पर मैंने प्री सेट कर लिया की मैपिंग, आपको करने का कोई जरूरत नहीं है। सिंपली आपको यहां पर सेव पे क्लिक करना है और अगर आप की मैपिंग देखना चाहते हो तो F1 दबाना तो आपका जो की मैपिंग है वो डिस्प्ले होने जाएगा, होने लग जाएगा। और F1 हटाओगे तो आपका की मैपिंग हट जाएगा। तो यहाँ पर हम फटाफट से हमारा जो गेम है वो स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए एक मैच हम खेल लेते हैं गेम एंड देखते हैं कैसा अपने को स्मूथनेस देखने को मिल रहा है, हमारा गेम कैसा चल रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमारा गेम काफ़ी ऑसम चल रहा है एंड यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। एंड चलिए हम यहाँ से फटाफट से कूद जाते हैं एंड यार माउस सेंसिटिविटी काफ़ी स्मूथ चल रहा है, काफ़ी प्यारा है यार। यहाँ पर आपका जो कंट्रोल्स है वो वर्क कर रहा है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला। सिर्फ अपनी लो एंड पीसी या लैपटॉप पे फ्री फायर खेल सकते हो और काफ़ी अच्छे FPS के साथ और काफ़ी लैग फ्रीस खेल सकते हो। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड अपने प्यारे रसगुल्ले दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो जो फ्री फायर अपने लो एंड पीसी या लैपटॉप पे खेलना चाहते हैं। और मैं फिर बता दूं कि इस एमुलेटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप आराम से जाके इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और ऐसा कुछ भी दिक्कत आता है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां पर आपको कुछ भी एक लिटिल बिट एरर आता है तो अपन हेल्प करने के लिए रेडी रहेंगे। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना और अच्छे से रहना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।